हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस मनीसर पटना खेवनी चक से। और अभी जब मैं क्लास ही ले रहा था क्या बीच में आ गए तो एक स्टूडेंट आ गए मुझसे मिलने। एक्चुअली ये एनआईटी पटना से आए, मतलब मुझसे क्लास किए हैं ऑलरेडी, मतलब 2 ईयर का कंप्लीट क्लास किए हैं एनआईटी में, अभी एडमिशन लिए एनआईटी पटना में। अच्छा एक बात, जो भी बच्चा मिलने आता है वो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज वाला ही क्यों आता है, आईआईटी एनआईटी बाहर वाला क्यों नहीं आता है? सर यहाँ से आए फिर सोचे आपसे मिल ले। अच्छा हाँ, मतलब एक चीज मैं देखा हूँ, अपने बच्चे तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जैसे कोई अलग ले लिए, दिल्ली में लिए या मुंबई में लिए या अलग अलग जगह एडमिशन जो लेते हैं, या आईटी रुड़की में लिए या अलग अलग जगह जो बच्चे लेते हैं, वो फोन से बात कर लेंगे, सामने से मिलने नहीं आएंगे, डायरेक्ट ऑडी लेकर आएंगे ना एकदम गाड़ी लेके आएंगे सर के लिए। खैर मजाक से हटके, बच्चों की ये एनआईटी पटना से है तो मैं सोचा ना कि एक वीडियो बना लूं। वीडियो इसलिए ना क्योंकि एक तो क्या होता है कि जूनियर लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है कि कैसे क्या, और दूसरी बात ना कि कई बार मैं इनको बताया भी और हम लोगों ने डिसाइड भी किया कि वीडियो बनाने का असली वजह क्या है कि होता क्या है ना कई बार कि जो बच्चे 12th में पढ़ते रहते हैं उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि जब हमारा सर निकल जाएगा इंजीनियरिंग, जेई मेन जेई एडवांस, पता ही होगा कि आईआईटी होता है, आईआईटी जेई एडवांस से मिलता है और जेई मेन से एनआईटी मिलता है, फर्स्ट नंबर पे आईआईटी, दूसरे नंबर में एनआईटी वगैरह आता है, तो ये एनआईटी पटना से है तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि सर हम 12th का फॉर्म भर दिए, मतलब एनआईटी सॉरी जेई का फॉर्म भर लिए, अब जेई का फॉर्म भरने के बाद सर एडमिशन कैसे होगा आगे? तो थोड़ा मैं इनसे पहले पूछ लेता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है, बाकी इनका मैं डिटेल मम्मी पापा सबके बारे में पूछूंगा, या पहले चलिए इन्हीं का इंट्रोडक्शन ही ले लेता हूँ। आगे आ जाइए इधर, आइए श्रेयांश। हाँ थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रेयांश गुप्ता है, मैं एनआईटी पटना में अभी कर रहा हूँ, 2023 बैच का हूँ। मैं कहता हूँ एस मनी सर से पढ़ा हूँ, उन्होंने मुझे पूरा पढ़ाया, मजा से, हाँ खूब बदमाशी भी किया क्लास में। यस सर, बहुत मजा आया ऑनलाइन क्लास में आपके, पूरा याद आ गया आपसे मिले, बहुत मजा आया सर। अच्छा और कुछ बोलना चाहिएगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी कहते हैं नर्वस मत होइए, पहली बार कैमरा पे आ रहे हैं ना? नो सर। हाँ यस सर, कैमरा पे पहली बार आ रहे हैं, नर्वस नहीं हो रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ बताइए। मेरे फादर कहते हैं फार्मर है और मेरी मम्मी टीचर है। बहुत अच्छा लगता है श्रेयांश यह सुन के कि जब एक मिडिल क्लास का बच्चा जो है वो आगे जाता है, और मिठाई भी लड़का लेके आया है। यस सर, हम सोचे सर को खिला दे, अच्छा खिला ही दीजिएगा पहले, चलिए। यस सर आइए खाइए। ये लीजिए। अरे अरे उल्टा थोड़ी होता, हम खा लेंगे, मेरे लिए ही है, हम खा लेंगे। खाइए आप भी खाइए, हम खाए आप ऐसे थोड़ा। अब तो खाना हो गया तो। यस सर, चलिए कोई बात नहीं। यस, तो अच्छा लगता है श्रेयांश की जब कोई मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे आगे जाते हैं, और आगे जाइएगा भी लाइफ में तो बहुत आगे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर इन लोग को प्रोसेस बताइए कि जेई में ये लोग क्वालीफाई करेगा उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा? ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले कहते हैं तुम फॉर्म भरो और पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद कहते हैं तुम्हारा निकल जाएगा, निकलने के बाद तुम जानते हो कैसे तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन सा कॉलेज तुम्हें लेना है, यही चीज़। वैसे प्रोसेस बता दीजिए क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है कि अगर आप मतलब जैसे रिजल्ट निकला या एडवांस निकला, जैसे हिसाब से निकला आप देखोगे, कहते हैं अपना रिजल्ट देखने के बाद आपको कहते हैं इंटरनेट पे जाओगे, अपना देखोगे कौन कौन सा आपका कहते हैं जाना है। हाँ आपके इंटरनेट पे सब चीज़ रहता है। क्या हुआ सर? गिर गया रस, बता बताइए ना, बताइए। यस सर, यही चीज़ है कि हम लोग कहते हैं जैसे अगर हम लोग पहले निकालना जरूरी है, पहले निकाल लोगे तो अपने आप को तो पता चल जाता है, इंटरनेट इंटरनेट में सब चीज़ रहता है कि कितने रैंक पे क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, हैं फिर उसके हिसाब से आप भरोगे अपना कॉलेज वगैरह सेलेक्ट। हाँ कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करोगे, अपने आप कहते हैं आपका अपने आप कहते जाएगा, अब उसके बाद आपको सर्टिफिकेट करने के बाद अपना भरोगे तो अपने आप सब चीज़ मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल ये हुआ कि आप पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है, आगे का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा, पहले आप रिजल्ट निकालो। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कोई दिक्कत हो रहा है एनआईटी पटना में? नो सर, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके सीनियर भी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एनआईटी में या आईआईटी में। अभी कहते हैं तुम लोग को एनआईटी में कोई रैगिंग उतना अच्छा चलता नहीं है, तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ो लिखो आओ पापा। पढ़ो लिखो आओ, पढ़ाई कर, रैगिंग वगैरह नहीं होता ना। उतना नहीं होता है, हम लोग के तो पूछेंगे तुम लोग से और क्या, हम लोग के तो कॉलेज में धासू होता था। आप लोग कॉलेज में क्या सेंटर होता था? हम लोग में बहुत, हम लोग के समय तो एकदम ऐसे करके चलना होता था, ऐसे करके चलना, खैर हम थोड़ा सा हट के थे, हमारा कहानी गजब है। क्या कहानी सर, आप लोग को बताइए, सब जाने। मेरा मेरा कहानी है कि
हमारा बनता नहीं था सीनियर वगैरह से, ठीक है, हमारे कॉलेज के दोस्त बताएंगे, मतलब ऐसा कुछ था ना कि एकदम क्लीन सेविंग वगैरह करके चलना होता था, एकदम क्लीन सेविंग करके चलो और एकदम मतलब कि एकदम ड्रेस वगैरह बन के चलो। तो पहले तो हम बहुत अच्छा से गए थे, और जो सेकंड बटन होता है ना यहाँ, उसको उन लोगों ने नाम दिया था टेक्निकल बटन। अच्छा। और बोलते थे ना कि इसको देख के बात करो, ऊपर नहीं देखना है। अच्छा। तो पहला दिन हमको समझ में आ गया कि लोग डरा रहा है झूठ मुठ के। तो हम पहला ही दिन घर में आए, ड्रेस ब्रेस छोड़ दिए, हटा दिए, घर में बोले मतलब भैया जो थे उनको बोले हम जाएंगे नहीं पहन के, और मुँह छूच बढ़ाना शुरू कर दिए, एकदम एंट लिए, एकदम पूरा एकदम क्लीन, मतलब थोड़ा बहुत और बहुत चीज था, छोड़िए उसको हटाइए, लेकिन बहुत बड़े तेज आदमी, हाँ बहुत पंगा हुआ, टीचर भी है, टीचर तो बाद में बने। तो बहुत पंगा हुआ था हमारा, हमारे दोस्त लोग अच्छे से बता पाएंगे, मेरा तो गजब कहानी था, अभी भी उन सब समय को याद करते हैं तो लगता था जवानी थी, हम भी कभी जवान थे, कभी यंग थे जवान थे। हाँ खैर, तो ये मतलब इस तरह से। अच्छा, पढ़ाई के लिए कुछ कुछ टिप्स अगर देना चाहें इन लोगों को, जैसे जेई निकालना है, नीट निकालना, वैसे तुम लोग हंसी मजाक वाला वीडियो बना रहे ताकि इन लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ यार मतलब बताया जा सकता है, और बच्चा काफी तंग भी करता था हमको ऑनलाइन क्लास में, या जो भी है काफी क्लास में तंग भी किया है, तो हमको अगर कुछ बताना चाहेंगे बच्चों की कैसे पढ़ाई करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज किस पे फोकस क्या करना चाहिए, अगर कुछ सलाह देना चाहेंगे तो दे दीजिए। यस सर, अगर देखिए सबसे पहले तो पढ़ने के लिए तो आपको तो पहले पढ़ने के लिए तो मोटिवेशन चाहिए रहता ही है, अगर मोटिवेशन साथ साथ खुद को भी मोटिवेशन रखिए, और कहते हैं नॉर्मल मतलब लगातार पढ़ते रहिए, जैसे ये मतलब ये कि आप डेली वाइज पे पढ़िए, टीचर डेली वाइज पे पढ़िए, और इधर उधर मत जाइए, जैसे एक ही टीचर से पढ़िए, ये सबसे ज़्यादा जरूर होता है, सबसे जरूरी यही होता है ऑनलाइन, एक ही टीचर पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको ढेर सारे टीचर मिलेंगे, और अगर आप एक टीचर के साथ अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपका कहते हैं अच्छी तरह से इसमें एग्जाम में मार्क्स भी आएगा, ये चीज है, मतलब एक तरह से ना कि इधर उधर भागा मत करिए, अगर इधर उधर भागेंगे तो फिर आप इधर का कुछ और पढ़ेंगे, उधर कुछ और पढ़ेंगे, बीच में कुछ और छूट जाएगा, ये मैंने भी कहते फेस किया, ये मुझे पता है, बस यही चीज है। अच्छा एक बात बताइए कि मतलब यहाँ से पास करने के बाद जॉब लेना है या बिजनेस करना है? सर जॉब ही करना है अभी। सर सिंगल इनकम सोर्स अच्छा है कि डबल सिंगल से ज्यादा इनकम सोर्स होना चाहिए? देखिए है क्या ना कि अगर इनकम सोर्स की बात मैं करूं तो मैं कहूंगा कि देखिए एक तो आप शरीर से काम ही करेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ काम करेंगे ही करेंगे, तो वो तो आपका इनकम सोर्स होना, वो तो है ही, सबके पास होता ही है, जो भी 10,000 जो कमाए या 10 लाख जो महीने में कमाए या 5 लाख कमाए या 1 लाख कमाए, लेकिन मेरा मानना है कि इसके अलावा भी 2-4 इनकम सोर्स बना के रखिए। एक शरीर से कमा रहे हैं ना, और जो पैसा आ रहा है उसको कुछ ऐसा करिए ना कि जो जिसमें आपको काम ना करे फिर भी आपके पास पैसे आते रहे, जैसे मेरा YouTube चैनल है, उसमें तो अब मेरा काफी बहुत दिन से हम ये वीडियो डालेंगे तो शायद 2-4 महीना के बाद ये वीडियो डाल रहे होंगे उसमें, तो मैं डाला नहीं, फिर भी बहुत इतना वीडियो डाल दिया कि उससे भी कुछ कुछ पैसे आते रहते हैं, 2-2 चैनल तो उससे भी पैसे आते रहते हैं, और अभी से एक साल हो गया हटाए हुए, 1 साल पहले तक मेरा वेबसाइट था जैसे vvi.com, cbseequestion.com, 3-4 गूगल पे वेबसाइट था, हाँ हाँ मैं खुद किया था, आप लोग को नहीं बताया था, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे पीडीएफ थे, तो बहुत अच्छा ट्रैफिक भी आता था लोग, अब तो डोमेन सब एक्सपायर कर गया, तो लगता है कोई दूसरा कोई खरीद लिया, बस डोमेन का रहता है ना गोडाइडी से कुछ, तो वो सब मैंने बना के रखा था, ऐड गूगल एडसेंस का ऐड वगैरह लगता है, तो उससे अच्छे रेवेन्यू मेरा मत आता था, वेबसाइट से ना ज्यादा इनकम होता है, वेबसाइट से ज्यादा इनकम होता है, सही बोल रहा है, तो उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आता था, लेकिन फिर इधर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो गई, उसमें ऐसा उलझा कि छोड़ दिया, तो अच्छा मेहनत किया, और जब मेहनत किया तो पैसा वैसा आम लड़के हो जो होते हैं उससे अच्छा ही कमा लिया। अभी श्रियांश भी आए तो पूछ रहे थे कि ये सर घर वगैरह सब आपका है या अच्छा कर लिया, या जो यही से बच्चा हमसे बातें करना शुरू किया था, इतना बड़ा घर है, मैंने पूछा था ये पूरा घर आपका है, सर बोले हाँ मेरा घर है। हाँ तो मैं एक बता रहा था क्या कि हमारे उम्र के आम लड़के से तो अच्छा मेहनत किया, अच्छा किया अभी जिंदगी में, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया था यार कि जानते हैं कि मतलब चैन नहीं है पैसे कमाने में, मेहनत करने में चैन नहीं है, और यह सोच के थोड़ा सा घर में मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा एक भतीजी थी उसका और कुछ कुछ हो गया, तो मैं सोचा यार जब चैन ही नहीं है तो पैसा आदमी कमा के क्या करेगा, मतलब मेहनत करना थोड़ा सा कम कर दिया, कम क्या कर दिया, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया फैमिली उमली में, ये बोलिए, फिर उसमें भी चैन नहीं मिला। फिर समझ में आया कि आपके पास पैसा कमाओ या ना कमाओ, इधर आ जाइए थोड़ा, चैन तो आपको ऐसे भी नहीं मिलने वाला है, अब जाके माइंडसेट सबको कहता हूं कि तुम पैसा कमा के ही बेचैन रहो, खूब रगड़ के मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खूब डिग्री हासिल करो, क्योंकि ना पैसा रहेगा तो भी चैन नहीं है, और पैसा खूब कमाओगे तो भी चैन नहीं, तो कमा के ही चैन में बेचैन रहा जाए। वैसे ये वीडियो इंटरव्यू टाइप का था, ये तो हंसी मजाक वाला हो गया, अलग अलग फ्लो में ही ये वीडियो चल गया ना। yes, sir.
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और तो कुछ नहीं है पूछने का, और कुछ बताना चाहते हैं क्या? यस सर, एक चीज पूछ रहा था, आपको पी मनी कब मिलेगी? अच्छा हाँ सर, सबका सबका जानना है, सबको जानना है। कब होगी पहली बात? यस सर, पी मनी थी, आप लोगों को पता है कि सेज वर्चुअल कैरेक्टर, ये तो पता है। यस सर, तो हम लोग को असली पी मनी देखना है, हम लोग आपकी शादी में आना है। हाँ सर, शादी कर लेंगे, शादी बच्चा लोग बोलेगा कर लेंगे, अभी तो कुछ वैसा नहीं है शादी के लिए। और एक चीज है ना, शादी विवाह में एक चीज बहुत जरूरी है कि शादी का क्या है, वो तो दो दिन में हो जाता है मेरा जो मानना है, पहले एक अच्छा इमोशंस लोगों के साथ जुड़ जाए या अच्छे लोग दुनिया में मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। यस सर, वैसे तो शादी के बाद भी लोगों का इमोशंस जुड़ता ही है पत्नी से, वाइफ से, लेकिन भाई शादी है, हो जाएगा, देंगे कार्ड, पता नहीं कब किनका नसीब कहाँ लिखा हुआ है, हमें खुद नहीं पता है कि नसीब में किनको क्या लिखा हुआ है, जिनको जब जहाँ होगा, जैसे होगा, जिनके साथ होगा, जो होंगी वो मिल ही जाएंगे। इसलिए आज तक कभी कभी गर्लफ्रेंड वगैरह की जो होती है प्रथा, उसमें कभी पढ़ा नहीं, कोई बनाया नहीं किसी को, हमेशा इन सब चीज़ों से, जब पता चला कि हाँ यार कुछ होगा तो मैं दूर ही रहा इन सब चीज़ों से, कि मैरिड लाइफ होगी और था कि हाँ घर वगैरह बना के सेट हो जाए, अच्छा इनकम वगैरह सब कर ले, कर ही लिए, अब हो जाएगी आप लोग ढूंढ दीजिएगा, हो जाएगी, मेनली यही है, आप लोग ढूंढ दीजिएगा, हो जाएगी जरूर सर, हम लोग पहले तो मिले। अरे बाप रे बाप, ये लड़का तो एक ही दिन में घूल मिल गया कहता है पहले हम लोग को मिले, ए बाबू तू पहले कर लो जी, तुम्हारे बारात में हम चलेंगे, उसके बाद ये क्लिप तुम्हारे पापा को भेजेंगे, नंबर देना तुम्हें पक्का। ये इसको बोलते हैं टंग स्लिप, स्लिप कर गया बच्चे का, एडिटिंग में इसको नहीं काटेंगे, मतलब कोई तो काटेंगे नहीं, कोई सीन ही वैसा नहीं हुआ तो पूरा तो डायरेक्टली रख ही हम डालेंगे, काटेंगे ही लेकिन ठीक है, पहले तुम ढूंढ लो फिर मेरा करना चिंता, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पहले पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ये सब लाइफ का एक पार्ट है, होते रहेगा, मम्मी पापा के ऊपर छोड़ दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कोई होगा तो हम, हालांकि इस वीडियो का कमेंट हम ऑफ ही करके रखेंगे, मतलब जैसा कि हम लोगों ने बात किया था पहले, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी होगा तो हम लोग का ऑफिस का नंबर है, कुछ सजेशन चाहिए तो पूछ लीजिएगा, और कभी बाद में जब आप लोग NIT के में जाते हैं तो इनसे मिल लीजिएगा, NIT का। हाँ, तब तक अभी खुद गया फर्स्ट ईयर में, बच्चा भी फर्स्ट ईयर में, खुद ही आना तुम लोग, तुम लोग कहते हैं दिखाएंगे तुम लोग को NIT पटना। हाँ NIT पटना दिखाएंगे, और साथ साथ में ना सबसे बड़ी बात है कि एक दो साल बाद ये खुद बन जाएगा वहाँ से, मतलब अभी खुद इसको लग रहा होगा कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा, फिर एक दो तीन साल बाद होते 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 बड़ा बन जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे मेरे पहचान के लोग हैं जो इंटेक कर रहे हैं, मेरे खुद के जानने वाले लोग हैं, PhD भी करने वाले लोग हैं, आप लोग भी पढ़िए, आप भी पढ़िए बाबू, कोई समस्या होगा तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो। बाकी यहीं पर करते हैं वीडियो को अंत, कितने देर का वीडियो बन गया लगभग? हाँ बन गया 15 मिनट का वीडियो बन गया, 16 मिनट का, काफ़ी है। यस सर, बहुत मजा आया आपसे मिलकर, मजा आ गया मिलकर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू बच्चों।